आज का दिन देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और महत्व का दिन है। आज के दिन देश की जनता ने फिर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश को संभालने के लिए कमान दी है। नरेंद्र मोदी जी का चारों तरफ उनके नाम की गूंज दिखाई दे रही है, चारों ओर मोदी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, बल्कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आने के लिए तैयार खड़ी है। देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाददाताओं ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। मैं लाखों मतों से अभी आगे चल रहा हूं और जिस प्रकार के रुझान अभी आ रहे हैं, निश्चित रूप से देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाददाताओं ने भी इस बार इतिहास रचा है और मुझे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की टीम में फिर से दोबारा काम करने का अवसर दिया है। मैं देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के सभी आशीर्वाददाताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जमीनी कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे प्रदेश के नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मां देववासिनी से मैं निवेदन करता हूं कि हमारा भारत समृद्ध भारत बने, विकसित भारत बने, शक्तिशाली भारत बने। देश के प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जी की अगली जो पारी है वो भी अपने आप में ऐतिहासिक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।